अच्छा, ये जो मैं सवाल ये था कि जो मॉर्निंग शोज होते हैं इसमें हाँ। जो ये जो होस्ट होते हैं इनके इतने भरम क्यों? कहाँ भरम होते हैं? भरम किसको कह रहे हैं आप? भरम ये होता है जो खड़ा हुआ, चले भाई आप शादी करें, आप फारिग घूम रहे हैं, आप शादी करें, आप छोड़ दें, काम दे दें, डिप्रेशन जो आप दे रहे हो, क्या फीलिंग आ रही होती है? फीलिंग ये आ रही होती है कि एक ट्रेन है जिसे आपने चलाना है और उस ट्रेन में कभी सन्नाटा नहीं आना चाहिए। वो जो सन्नाटा.com है ना, वो ऑन एयर जाएगा। हम सब आई थिंक जितने लोग मॉर्निंग शो करते हैं ये ट्यून हो चुके होते हैं कि बस सन्नाटा ना जाए, बस कुछ ना कुछ बोलते रहो और अल्लाह माफ करे, मतलब उसमें आपकी अच्छी चीजें भी निकल आती हैं और बाकी भी निकल ही आती हैं। अच्छा, पर्सनली आप इन चीजों को पसंद करती हैं? अगर मैं उन चीजों को ओन नहीं करूं तो वो लगेगा कि यार मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया वो मैंने, हाँ निगेशन तो होती है, हर एक की पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती। बोलने वाली तो बहुत हूँ मैं, लेकिन वो सारी चीजें जो मैंने की उनमें जरूरी नहीं है कि मैं भी उससे एग्री करती हूँ। आप एक कैरेक्टर निभा रहे हैं इस वक्त होस्ट का, तो उसमें आपको आपका दिल नहीं भी चाहेगा, लेकिन आपको रेटिंग लेने के लिए मेरे से वो सवाल करने पड़ेंगे जो मजबूरी। इसी बात पे सवाल पे चलते, ये वो सवाल है रेटिंग वाला। बिल्कुल ठीक है। राज क्यों है लोगों के पास कि वो आके बताते हैं? जैसे आपने मुझसे कहा यार ताबिश मुझसे ये वाले सवाल मत पूछो। हाँ। और बल्कि मेरा ख्याल है हम जब, अगर मेरे साथ भी कोई और आता तो मेरी ये कोशिश होती है यार मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस किए जाएं। अच्छा है आपके फॉर्मेट ये है कि 1-to-1 है। लेकिन जब दो तीन लोग साथ आए तो हीरोइन जो रोल बेचारी मेन प्ले कर रही है उसको ओवर शेडो करना, ट्राई करना, तो ये हाँ ये छोटी है। है। ये छोटी है। तो व्हाई डू यू थिंक हमारे एक्ट्रेस के अंदर ये ईगो वाले मसले हैं? क्यों है मसले? क्या इंडस्ट्री छोटी है? हम सब में है यार, इंक्लूडिंग मी, हम सब में है। बट व्हाई? जब ओवरऑल अभी अभी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, मेंटली भी ना चीजें चेंज हो रही हैं, वक्त अच्छा आएगा, बेहतर हुआ भी है, ऐसा नहीं बेहतर हुआ है बहुत। आप देखिए पहले कभी हमें फीमेल एक्टर्स या मेल एक्टर्स के कमेंट्स एक दूसरे के लिए इतने पॉजिटिव नहीं मिलते थे, इतनी गुंजाइश नहीं दिलों में होती थी। अब हो गई है और हम लोग अच्छा काम करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग, चेंज आ रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं, पॉजिटिव तो है ये। हाँ। एक जमाना ये था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कोई 8-10 नंबर वन हीरोइनें थी, याद होगा आपको, मैं नंबर वन हूँ, पहले ये जंग चलती रहती थी। हाँ। अब कम से कम ये आ गया, नहीं वो हमसे वो नंबर वन वाली, हाँ वो खत्म हो गया। और एक जो क्लीशे जो एक था ना कि बस हीरोइन ऐसी ऐसी, वो चेंज हुई है चीज कि ये जो हम कराते हैं बोटॉक्स करते हैं, ये लगाते हैं प्लास्टिक आंखों में नाकों में होंठों पे इधर थोड़ी पे, ये पिछले जमाने में क्यों नहीं था? ज़ेबा शहनाज ने क्यों नहीं कराया, शहनाज शेख ने क्यों, बाबरा शरीफ ने क्यों अब करा लियो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पहले के लोगों में इतनी वो नहीं थी ना इनसिक्योरिटीज। अब हाँ तो बहुत सारी चीजें पहले नहीं थी, अब चीजें चेंज हो रही हैं, लोग बेहतर से बेहतर लगना चाहते हैं। इवन ये जरूरी नहीं है कि एज को डिले करना, मतलब लोग अपने जो फीचर्स ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा सा एनहांस करना, या जी जो उनको पसंद नहीं होता या तो वो उसको एनहांस करवा लेते हैं। सबसे ज्यादा किसने अच्छा कराया ये? अच्छा किसने कराया? बुरे तो बहुत लोगों ने कराया, अच्छी तारीफ करनी है जब कॉम्पिटिशन आ जाएगा ना फिर। मैं तारीफ करूंगी तो फिर वो स्क्रीन पर चलेगा कि किसने काम कराया हुआ, ये क्या बात है? सबको पता है, आपको क्या लगता है? पता नहीं, मैं शायद पहले कैसी लग रही थी कैसी लग रही है, ये क्या बात है? हम के नन्हे हैं, ये इतने नन्हे नहीं है ऑडियंस को, सब पता है महवेश भाभी ने क्या क्या कराया हुआ है, सबको पता है। भाभी अभी बनेंगे, हम तो फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, मैं बहुत प्रोग्रेसिव आदमी हूं, आगे का सोचता हूं। एक नाक कितने की बनेगी? नहीं, कुछ केसेस होते हैं जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी से हो सकते हैं, कुछ केस सर्जिकल। तो आपका पकोड़ा सेट कराना है मुझे। हाँ ठीक है, आप मेरे पास आ जाए। कितने तक, कितने लाख लग जाएंगे इसमें? नहीं कुछ नहीं, 40,000-50,000। 40,000? तो ये हम समझ रहे थे ये यार करोड़ों का काम कराया हुआ है, मैं भी शायद पे करोड़ों लग गए। हाँ तो वो ये एक काम है ना। अच्छा, यानी आपने मान लिया कि महवेश ने बहुत सारे काम कराए हुए? मैंने तो नहीं कहा, नहीं 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 मैंने ये नहीं कहा। तो आपने, मैंने कहा ना उन्होंने करोड़ों के काम कराए हुए, तो सिर्फ 40,000 का? नहीं नहीं, तो सिर्फ नाक के थे, होंठ के गाल के तो पता ही नहीं वैसे। लेकिन ये इतना महंगा काम नहीं, इतना प्रसिद्ध है कि यार। हाँ, इतना महंगा नहीं है, बस है महंगा, लेकिन 8-10 लाख में बंदा तैयार हो जाता है, बिल्कुल बॉडी तैयार हो जाती है, परफेक्ट बॉडी तैयार। मुझे बताइए कि मतलब असली डॉक्टर हैं आप? ये तो नहीं। हाँ जी असली हूँ। कुछ और भी डॉक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जो नहीं है लेकिन है? पाकिस्तान में हम DR दुनिया में दो जगह लगाया जा सकता है, एक ऑब्वियसली MBBS डॉक्टर के साथ और एक PhD। लेकिन पाकिस्तान में तो बस लग जाता है, मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं और भाई डॉक्टर साहब मजाक में। अच्छा, जब एडवाइस लेनी है
जी, तो किधर देखती है? अपने फादर की तरफ और चंद दोस्तों। चंद दोस्तों, तो कैसे पता करती है कि यार इन लोगों से एडवाइस ली जा सकती है, इन लोगों से तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती? व्हाट्स योर गेज? यार मैं बहुत बेवकूफ हूँ। अच्छा? हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। तो मैंने कोई बहुत सोच समझ के डिसीजन नहीं लेती। बड़ा मुझे समझ में आ गया, आप पहले एक दफा डिसीजन ले लेते हैं बस फिर उसको मैनेज करते हैं। अमीर लोगों का यही होता है, वो कहते हैं यार ले ले देखा जाएगा, उनको पता होता है इतना पैसा संभाल लेंगे। हम गरीबों को सोच समझ के लेना पड़ता है ना, यार देख ले भाई वहां से सस्ती मिल जाए। ऐसा होता है। तो अब क्योंकि आपके तीन बच्चे हैं, एक बीबीए कर रहा है मार्केटिंग में, एक ए लेवल्स कर रहा है, एक अभी स्कूल जा रहा है जी। तो अगर ये कहें मामा अब आप घर पे रहकर हमें आपकी जरूरत है, वी वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, तो क्या स्टारडम छोड़ देंगे? रिटायरमेंट ले लेंगे मॉर्निंग शो से, या बोलेंगे नहीं भाई मॉर्निंग शो मैं अभी कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं नहीं लूंगी कभी रिटायरमेंट। नहीं लेंगे? सिर्फ टीवी से नहीं, काम से। काम मुझे एहसास दिलाता है कि मैं खुद हूँ। सही है कि मैं माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बीवी भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद भी तो कुछ हूँ। ऑफ कोर्स। सो मुझे ये महसूस करना भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूजुअली जब लोग माँ बाप बन जाते हैं, चाहे वो 25 साल की उम्र में बन जाए, तो उनका एटीट्यूड ये आ जाता है यार अब तो हम बच्चों के लिए जिंदा हैं। हाँ, डू यू अग्री विद दैट फिलॉसफी? मेरा ख्याल है कि बच्चे भी आपकी, जो आपने कहा ना कि कहीं मशवरा लेना होता है तो आपके पास, आप किसके पास जाती हैं? बच्चे आपके पास उस वक्त आएंगे मशवरे के लिए जब उनको ये पता होगा कि माँ ये इस तरह, ये दूसरे लोग भी आते हैं माँ के पास मशवरा लेने के लिए और उसकी ये हैसियत है। आप, मुझे लगता है जैसे मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ कि उन्होंने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अब भी हमारे लिए यार अम्मा तो बस अम्मा नहीं समझती अम्मा, तो मैं वो नहीं होना चाहती अपने बच्चों। समझ गया। हाँ, अम्मा, जैसे हमारी अम्मी को आप ये बताएंगे अम्मी वो लड़की आज दोस्त आएगी पढ़ने के लिए, लड़कियों के साथ कौन पढ़ाई करता है? हाँ। क्या क्या हो गया लड़कियों का, क्या होता है फिर? हाँ, हमें नहीं पता जैसे लड़कियों के साथ क्या होता है। हाँ, इस तरह की बातें करते हैं, बेवकूफ हैं। हाँ, वो अगर मैं, मेरी मीटिंग हो रही है और कुछ 11-12 बजे तक लाउंज में बैठे हैं लोग, तो बताओ भाई तीन तीन मर्द बैठे हैं। हाँ, लाउंज में मीटिंग हो रही है 11-11 बजे तक, कौन सी, अरे भाई अम्मा काम कर रहे हैं यार, कौन सी मीटिंग है, कौन सी मीटिंग हो रही है, ये बड़ा मुश्किल होता है मम्मी को समझाना। बहुत हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ये बताइए कि जब से सेलिब्रिटी बनी है, अब मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए होंगे। जी 15 साल हो गए। तो कोई चेंज महसूस किया अपने अंदर कि यार शाइस्ता, कभी शीशे में बात कर रही हूँ खड़ी हुई अपने आप को देख रही हूँ, शाइस्ता तू बहुत शरारती हो गई है, गाड़ी में जा रही हूँ शाइस्ता। हर तरह, हर चीज की फायदे और नुकसान होते हैं, तो फायदे भी बहुत हैं अननोन होने के, और अननोन होने के भी अपने फायदे हैं। एनोनिमस है ना? यस, एनोनिमस नंबर से जब फोन आता है तो देखिए उसकी कितनी पावर होती है। पावर होती है, ये बात नहीं कहिएगा। और आजादी की पावर बड़ी है। हाँ, आजादी की पावर, एंड पीपल जज यू इवन द वे यू लिफ्ट योर स्पून। आप खाना खा रहे होते हैं तो आपको, और हर वक्त मतलब आपको अच्छा लगना है और नहीं लग सकते भाई, कभी आप, आपके बाल बुरे भी हो सकते हैं यार, ब्लो ड्राई नहीं भी हो सकते, बाहर जा सकते हैं आप। हाँ, आप नाइट सूट और आप लिपस्टिक के बगैर भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद असल में तो ऐसी है ये, देखा हाँ, असल में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये क्यों भाई, क्या भाई आप मोटे भी हो सकते हैं यार, आप दुबले भी हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वहाँ ये फ्रीडम नहीं है हमें। डू यू एवर गेट टायर्ड ऑफ कैरिंग योर पर्सोना के यार मुझे शायस्ता लोधी लगना है? अ लॉट ऑफ टाइम। और ये मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री वाइड होगा ना, सबको थकान हो जाती है, सबको सब प्रेशर अपने बहुत है हमारे। देखिये हम इस तरह का बोझ लेके ना, आप अपने प्रेशर्स जो लाइफ के और हैं बाकी, उनसे हमें कोई आजादी नहीं मिल जाती, हम वो भी डील कर रहे होते हैं और ये होने के भी डील कर रहे होते हैं, तो वो डबल प्रेशर में आ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो नोन नहीं है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मैं सोचती हूँ यार ये बड़े फायदे में, आम से लोग हैं वो। हाँ, है ना उनकी। और एक जमाना वो भी आता है जब आप अपने आप को, या इतना डिस्पैरिटी आपको लोगों के साथ में लगती है यार ये जो बात कर रहे हैं मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही। हाँ, ये फेज भी आता है। हाँ, हम पे आता है ये जो हमारी क्रिएटिविटी का सारा जर्नी होती है, और फिर ये भी आता है कि हम दोबारा अपनी रूट्स पे बैक होते हैं, कंपोज होते हैं, फिर हम वापस। तो वो उस वक्त हमें, अब मुझे कभी अपने दोस्तों में, अपनी भाभियों में बैठ के ना बड़ी अच्छी लगती है, वो एंजॉय करती हूँ बातें, चाहे मैं उससे रिलेट नहीं भी करती। एक जमाना तब आया था तो मैं कहती थी यार क्या बात हो रही है, क्या बातें कर रही, गोल गप्पे कौन खाएगा। गोल गप्पे नहीं, मतलब लॉन आ गई, फर्ज करें ओ फना की लॉन आई हुई है ये, अब
कद्दू मेरे पास घर पे आ चुकी है, हटो छोटे लोग, इस तरह होता नहीं है तो। लेकिन अब मुझे लगता है कि यार अच्छा ये ईद के कपड़े बनाना मतलब हमारे लिए कॉन्सेप्ट, हाँ तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी बात है सुना। अच्छा अच्छा मुझे लगता है उसमें ज्यादा फायदा है, ये मासूम लोग हाँ। ये अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं ना इल्म ने कर्बे इस्तराब दिया, किस कदर पुरसुकून थी ना दानी, आपको ना मालूम हो तो ज्यादा अच्छा है यार। हमारी दादी कहती थी बेटा सुअर मत बोला करो, 40 दिन तक दुआ कबूल। मैं कहा दादी फिर क्या बोले, कुछ लोग होते हैं कुछ बोलना होता है, कहती पिक बोलो। कभी ऐसा ऐसा हो ना कि जैसे कराया वो पाकिस्तान में गाड़ी बेचने जाओ तो वो ना ठोक ठोक के रिकंडीशन है, हाँ नहीं बनी आज बोनट बना है पूरा, ये बना के आप चले जाए रिश्ता लेने, यहाँ पे तो रिश्ते लेने भी आते ना, सोचे चेक करना शुरू कर दें सारा गुडना रिपेंटेड है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है लिटरली, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, पेशेंट्स आते हैं, बहुत ही गंदी हकीकत है हमारे सोसाइटी की, बट सारी औरतें आके माएं आके अपनी बेटी के सामने कह रही होती हैं इसको ये कर दें ये कर दें ये नहीं ये कर दें क्योंकि रिश्ते आने वाली उम्र आ रही है। मतलब आप सोचें वो लड़की किस चीज से गुजरती होगी ये सुन के, ये तो बहुत सैड है ना हमारी हमारी ये। आप जैसे देखिए क्लिनिक है आपका, आपको तो काम है, लोग गोरा होना चाहते हैं, आप कभी एज एन आर्टिस्ट इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि यार ये गोरे रंगत की जो भाग है ये छोड़ो अब, हर रंग अच्छा है, ये क्यों नहीं इसको ये कर मैं सीट पर भी बैठ के क्लिनिक में बैठ के भी लोगों को ये एडवोकेट करने की कोशिश करती हूँ कि यार जो आप हैं वो बहुत आपका रंग बहुत खूबसूरत है, आप इसको क्वालिटी ऑफ स्किन बेहतर करें, आप ये क्यों कोशिश करती हैं कि इसकी रंगत चेंज हो जाए। ये अच्छा ये इसलिए गोरा रंग गोरा हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं या ओ दुनिया भर में गोरा रंग ही करना है सबको, ऐसा तो नहीं है दुनिया भर में, तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान श्रीलंकन को नहीं है ये टेंशन। आप ये देखें कि जो प्रमोशन करती हैं कंपनीज इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करती हैं वो भी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में चल सकती हैं, वो इसके अलावा फेयर लवली या कहीं और नहीं जाएगी, ब्यूटी क्रीम 31-32-490 का स्टार नहीं कभी भी नहीं होता। तो हमने कुछ सोच सुना भी है, अमेरिका में हमने देखा भी है, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग करवाते हैं अजीब से हो जाते हैं, खराब हो जाता है और उल्टा हो जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, अंदर केमिकल जा रहे हैं, कोई हैं साइड इफेक्ट्स या टेक्नोलॉजी ऐसा कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में चीजें होती हैं वो वक्त के साथ डिप्लीट होने लगती हैं तो वो थोड़ी सी ऐड कर दी जाती हैं एंड नथिंग मोर देन दैट। हाँ अगर आपको कोई बहुत इस तरह एक्सट्रीम प्रोसीजर पे जाना है कि नाक हमारे निकलवाई दी नाक नहीं, बहुत सारे लोगों ने जैसे चिन एक्सटेंड कराई, थोड़ा सा एक्सटेंड कराई है नाक कराई है, उसमें फिर प्रोस्थेटिक्स लगती हैं। वो भी 10 साल बाद चेंज की जाती है, डिपेंड करता है आप किस किस्म कितना, की सर्जरी कितना माल लगवा रहे हो आप, जापान का है चाइना का है ये सब ठीक है ठीक। टीवी को आप रिसेंटली नजर नहीं आ रही, खैर बात कह दिया है या चैनल ही कुछ खैर बात कह चुके नहीं नहीं आई थिंक टीवी पे अब बहुत टाइम नहीं, अगर कोई चीज ऐसी आती भी है तो मैं ट्राई करती हूँ कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आती रहूं, लेकिन कोई मुस्तकिल प्रोग्राम करना अब मेरे लिए इन मसरूफियात के साथ बहुत क्लिनिक के साथ मसरूफ। तो अब ये कहा जा सकता है कि शाइस्ता का मेन फोकस अब क्लिनिक पर है, जी जी मीडिया में नहीं है बिल्कुल, लेकिन अब चांस मिलेगा बड़ा तो प्रोजेक्ट कर लेंगे अगर अच्छी चीज होगी तो, जो कि आजकल मेरी एक बात चल रही है अगर कोई अच्छा कन्विंसिंग प्रोजेक्ट होगा जरूर, बट नॉट मॉर्निंग शो, इम्प्रूव वर्जन होगा तो जरूर इम्प्रूव, टीबीएच जैसा हो, हिप टीबीएच जैसा, और टीबीएच मिल जाए तो क्या बात। पता है वो असफर भाई का मुझे पता है, इतना वो दे भी देंगे। एक मिनट के लिए अगर यहाँ आए और मैं वहां चली जाऊं डर के भाग गया हाँ। शाइस्ता की तरह बैठूंगा। ओफ कितने दिन बाद ये सीट मिली है, इस सीट का अपना नशा है भाई, मैं भी गेस्ट की तरह बैठूंगा ना तो डर के आप मुश्किल लग रहा है ये काम नहीं अच्छा, बिल्कुल मुश्किल नहीं हाँ। हाँ। सबसे पहले तो मुझे तबीश ये बताएं कि आपको ये कब गलतफहमी हुई कि आप टीवी पे आ सकते हैं। एक दिन मेरा तलाशे गुमशुदा का इश्तेहार आया टीवी पे मैंने देखा यार मैं इतना बुरा नहीं लग रहा हूँ हाँ। पहले तो मैं अपने घर वालों को जाके वापस मिल गया मैं रहा हाँ। तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार आई एम अ वेरी स्क्रीन वर्दी फेस
तो फिर मैंने फोन किया असफर को, मैंने कहा असफर मैं काम कर लूंगा। तो उसने कहा ठीक है सर, इफ यू एग्री। तो ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा आपको पता है ना असफर का बैकग्राउंड, असफर ने हर काम क्रेजी किया है, कई बार दो दो बार कुछ काम, दो दो बार की क्रेजी नहीं, वो तो एक क्रेजनेस की एक अलग इंतहा है ना। मगर मैं दूसरी बात, असफर ने जो भी स्क्रीन के लिए काम किया बहुत ही क्रेजी, डिफरेंट, मुख्तलिफ। हाँ। कहा कि एक इस किस्म के होलिया के साथ अगर हम एक होस्ट लाते हैं। अच्छा होस्ट तो आप हैं, हाँ ठीक है। तो लाते हैं तो डिफरेंट होगा, तो लोगों को ये क्लिक हो गई। वैसे नहीं नहीं, ये इस तरह का कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं था। असफर भाई ने बोला भाई 18 लाख लूंगा लॉन्च करने के, वो दिए तो फिर आया हूँ मैं इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ये सब गलत फहमी है, वो बस इंडस्ट्री में आपको पता है, ये काउच देख रही है आप। भाई बहुत बहुत तालियां। ये जो मैंने कहा क्लिक हुआ, वाकई लोग देख रहे हैं, ये बड़ी बात है, मुख्तलिफ चीज है, अच्छी लग रही है, वरना बैठ के इस तरह के शोज कहाँ आप हो रहे। आपका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा, 15 साल का है, मेरा तो 15 महीने का है। तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। मुझे ऐसा नहीं हुआ किसी ने अंडर वैल्यू किया हो, क्योंकि मैं नौकरी करता था, मैं ऑलरेडी कमा रहा था जी। तो मैंने जितना कहा उन्होंने कहा हाँ ठीक। असफर भाई ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि तेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, तू अभी ये नहीं कर, अभी छोटा काम करेंगे। उन्होंने कहा तू ये करेगा भाई तो से ये हो जाएगा। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। मुझसे हाँ। किसी ने ना काउच पे बिठाया, ना पैसे लिए, ना घर हवेली देखने बुलाया, मुझे काम दे। ये क्या बदतमीजी है ये? मतलब आपने तो स्टोरी बना ली, मतलब ठीक है अपने प्रोग्राम के लिए करो, मतलब हल्का रखो। आपकी बात नहीं कर रहा था, आप अच्छा। खुद ही ले गई बात। अच्छा हवेली के आप ही गई है सिर्फ, इतनी बड़ी हवेली है वो। बात सुने, मैं हवेली शो रिकॉर्ड करने तो, हवेली मतलब गई तो थी। रुक जाओ, मतलब मैं हवेली गई थी कैमरामैन के साथ, 3-4 कैमरामैन थे, असिस्टेंट थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, ऐसे थोड़ी अकेली चली गई थी हवेली। कितने लोग, यानी आपको इतना डर था या आप पूरी फौज लेकर गई, या शेख साहब नहीं बुलाया था यार कम से कम 8-10 तो लाना बन गया। खाने के बड़े शौकीन है ना, दस्तरखान बड़ा हो। पता नहीं कि जब भी शेख रशीद की बात आती है को लोग कहां ले जाते हैं बात। अच्छा इसका बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा, बहुत मजा। एक कैरेक्टर है जो मैं प्ले करता हूं अक्सर, मेरा ऑल्टर ईगो है समझ ले, उसका नाम है शाजिया। शाजिया बहुत मॉडर्न बैकग्राउंड से आई है, मगर है इंतहाई मॉडर्न डे थॉट्स हैं उसकी। अच्छा। हाँ, फेमिनिस्ट है, वोक है बहुत ज्यादा। अब वो आपके क्लिनिक आई है, आपको नहीं पता वो क्यों आई है। अच्छा। लेकिन आप उसे एज अ क्लिनिक ओनर ही मिलेंगी, जो आप उसे डॉक्टर मिलेंगी कि भाई तुम्हारे अंदर ये वर्किंग आ सकती है, सजेस्ट करेंगे, मगर शाजिया ना एकदम ऑफेंड हो जाएगी कि यार आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ में कुछ ठीक करने की। ठीक है मैं आई। अब शाजिया है, उसकी मर्जी वो कैसे भी चले। अच्छा ठीक है, मैं क्लिनिक में हूं। जरूरी नहीं है वो। हाँ मैं क्लिनिक में। हाँ, आप क्लिनिक। ठीक। आप ऐसे यूजुअली क्लिनिक में बैठती है जी, तभी तो इतना रश लगा रहता है वहां पे, लोग आहिस्ता को देखने जा रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी, इज इट शाइस्ता? जी आइए। माई सेल्फ शाजिया। बैठिए शाजिया। कैसी हो? मैं ठीक शाजिया जी, बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। क्लिनिक छोड़ दो। ये प्लॉट हमें चाहिए, हम यहाँ पे मर्दों के लिए जिम खोलें। यहाँ औरतों के लिए सर्विस हो रही है, मर्दों के लिए जिम आप कहीं और खोल सकती हैं। शाजिया प्लॉट में क्यों छोड़ दूं? तुम अपने ये स्पेयर पार्ट्स का काम किसी मतलब ये प्लाजा के पास करो, जहाँ गाड़ियों के पार्ट्स बिकते हैं। दिस विल सूट ओवर देयर, नॉट हियर। यहाँ शाजिया की टेरिटरी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इसको स्पेयर पार्ट का काम कह रही हैं, वरना ये एस्थेटिक एनहांसमेंट है। और वही स्पेयर पार्ट। और मैं क्यों छोड़ दूं? मैं यहाँ, मेरे इतने पेशेंट्स हैं, रोजाना लोग आते हैं और अपने आप को बेहतर जितने होते हैं उससे और बनवाते हैं। अच्छा अगर इन्हीं बातों पे उतर आई हो तो ये बताओ, किसी पुराने आर्टिस्ट की स्पेयर नाक पड़ी हो जो नई लगा दी हो, पुराने यहाँ छोड़ गई हो? जावेद शेख की थोड़ी मिल सकती है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको जॉ एनहेंसमेंट की जरूरत है। जॉ एनहेंसमेंट? हाँ, आपकी डेफिनेशन लूज हो गई है। लूज हो गई है, मेरा कैरेक्टर भी थोड़ा
लूज हो गया है। करेक्टर के लिए कुछ है तुम्हारे पास? करेक्टर टाइट हो जाए मेरा। नहीं शाजिया, कैरेक्टर के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप खुद कर सकती हैं। कुछ हिंट्स दो, कैसे ठीक होगा बिना कैरेक्टर, क्या करूं? पहले तो जो एंग्जाइटी तुम्हारी है इन से, इन इन चीजों से नजर आ रही है, वो हटा, नॉर्मल बैठो। बहुत एंग्जियस औरत, बहुत ज्यादा, अपने से ज्यादा खूबसूरत औरत देख लूं मेरी हालत खराब कर, ब्लास्ट हो जाती है शाजिया की। तुम कैसे खूबसूरत बनी, तुमने क्या क्या चेंज कराया अपने अंदर, जल्दी बताओ। ये तो तुम जब आओगी अपना इलाज कराओगी फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि देखो अगर ऐसी नाक बनवानी है तो ये कर लो, लिप्स, आंखें, ये डिपेंड करता है। हाँ, ये मैं ऐसे ही सारे राज नहीं देती। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मेरी नजर नहीं आ रही, वो मुझे ठीक करानी है, जैसे मेरी किडनी। आई वॉन्ट माई किडनी टू बी इन अ सेंटर पोजीशन, नो सेंटर। व्हाट? मैं चाहती हूँ। थैंक यू, क्लोजिंग तो कर देना। थैंक यू फैसला, आप आई, आपने बिल्कुल ऐसे बात की जैसे हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, आपके बचपन से ऑफकोर्स। जी। तो बहुत मजा आया, थैंक यू। आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया, अच्छा लगा।